तो चलिए सबसे पहले बात करेंगे लोकसभा चुनाव 2024 के रण की, क्योंकि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के मैराथन दौरे लगातार जारी है। आज के खास कार्यक्रम और ये मैराथन दौरों के बारे में जानकारी दें तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा किशनगढ़ में कार्यकर्ता सम्मेलन में शिरकत करेंगे। वहीं अजमेर में मेडिकल कॉलेज सभागार में कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल होंगे। ये अपने आप में बेहद खास होगा क्योंकि वो जानते हैं कि पूरा इलाका, पूरी बेल्ट कितनी महत्वपूर्ण है भारतीय जनता पार्टी के लिए और फिर से कमल खिलाना है। कई सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों से मुलाकात का कार्यक्रम, बूंदी में भी कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करेंगे। वहीं कोटा में कार्यकर्ताओं की बैठक लेंगे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कोटा में ही रात्रि विश्राम करेंगे और अगर रात्रि विश्राम वही है तो जरा जानिए कि देर रात बैठकों का सिलसिला भी जारी रहेगा। ये अपने आप में बेहद खास होगा क्योंकि हर एक अपडेट सियासी नब्ज टटोलने की कोशिश यहां पर रहेगी। इसके अलावा जब कार्यकर्ताओं के साथ संवाद होगा, बैठक होगी, तो उन्हें जीत का मंत्र भी दिया जाएगा और दिशा निर्देश भी दिए जाएंगे। तो वहीं आज के संशोधित कार्यक्रम के बारे में अगर डिटेल से बताएं तो वो भी जानकारी हम आप तक पहुंचा दें। सुबह 11 बजे जयपुर से किशनगढ़ के लिए रवाना होंगे मुखिया। सुबह 11 से साढ़े 11 बजे, मतलब मान के चलिए 11 साढ़े 11 बजे से साढ़े 12 बजे तक कार्यकर्ता सम्मेलन में होंगे। किशनगढ़ मार्बल एसोसिएशन सभागार में सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। फिर दोपहर 12:40 किशनगढ़ से अजमेर के लिए रवाना हो जाएंगे क्योंकि इतना वक्त लगेगा। 12:30 तक अगर सम्मेलन में रहेंगे तो वहां से किशनगढ़ से अजमेर के लिए रवाना होंगे। 1:05 से 1:50 तक सामाजिक संवाद कार्यक्रम में भी रहेंगे। किस तरीके के कार्यक्रम रहेंगे विस्तार से समझेंगे अपने वरिष्ठ सहयोगी ऐश्वर्य प्रधान से। ऐश्वर्य, अब लगातार सुबह से जानकारी दे रहे हैं, वहीं संशोधित कार्यक्रम भी अब सामने आ गया है। मिनट टू मिनट कार्यक्रम बताया जा रहा है मुख्यमंत्री का, आपसे विस्तार से जानना चाहेंगे। और वैसे भी आप कोटा को लेकर इन्फॉर्मेशन दे रहे थे क्योंकि अगर रात्रि विश्राम मुखिया का वहां पर है तो पूरे तरीके से सियासी नब्ज टटोलने की कोशिश भी मुखिया करेंगे। बिल्कुल वही कार्यक्रम है मिनट टू मिनट जो आपने रीड किया है या दर्शकों को बताया है, लेकिन इस कार्यक्रम में संशोधन सामान्य तौर पर होते ही है क्योंकि चुनाव का माहौल है। कई बार समय को लेकर संशोधन होता है तो कई बार कार्यक्रम है वो आगे पीछे भी होते हैं, स्थान परिवर्तन भी हो जाते हैं क्योंकि जो स्थानीय इकाई है भाजपा की उसके अकॉर्डिंग कार्यक्रम होने होते हैं। जो स्थानीय इकाई जिला स्तर की इकाइयां हैं वो तय करती है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का क्या कार्यक्रम रहेगा और प्रत्याशी जो है वो भी बताते हैं, आग्रह करते हैं और मुख्यमंत्री के पास फीडबैक पूरा है ही, तो वो जानते हैं कि कहाँ किस तरीके से स्थितियों को संभालना है। तो यही कारण है कि मुख्यमंत्री इस बार किशनगढ़ से अजमेर और अजमेर से सीधे बूंदी और बूंदी से कोटा, मतलब चार जो क्षेत्र हैं, बड़े क्षेत्र हैं, उनमें स्थितियां संभालेंगे। चलिए ठीक है, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे जब मुख्यमंत्री यहां से किशनगढ़ के लिए रवाना होंगे। बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए ऐश्वर्या।